वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर के। हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फीयर का, और रेडियस हमारे पास गिवन है डेट इज 21 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लेते हैं सोल्यूशन और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन है ना रेडियस, तो उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और किसके इक्वल है 21 सेंटीमीटर के, तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और पाई क्यों है, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए पाई यूज़ होगा। तो पाई की वैल्यू 22/7, और ये ऑलवेज कॉन्स्टेंट 22/7 ही होती है ये, अगर हमने फ्रैक्शन में लेनी हो। और इसको डिवाइड करो डेसिमल में, अगर चाहिए तो इसको डिवाइड करो 3.14 आएगा, तो वो हम समटाइम्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको ये एज ए फ्रैक्शन ही यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लेट कर देते हैं, डायरेक्ट आप लिख लें फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने का, तो लेट वी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देन वी इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला अब भी आने लगा है, वी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। आपको जब भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने को कहा जाए तो आपके पास हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ होगा, बस आपके पास जो रेडियस गिवन है आपने वो यहाँ पर पुट करना है। हमारे पास ये रेडियस गिवन है तो हम यहाँ पर 21 सेंटीमीटर ही पुट करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लेना है, हमने ये करना है, ओके 4/3 लिखा, और जो है पाई की वैल्यू लिखी 22/7 है, और आर हमारे पास 21 सेंटीमीटर है वो हमने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर क्या है हमारे पास क्यूब है फॉर्मूले में, तो यहाँ भी क्यूब आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाना है, ये हो जाना है कि 4/3 है और 22/7 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो 21 सेंटीमीटर को हमने 3 times लिखना है, 3 times मल्टीप्लाई करवाना है, और अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो फिर 2 times लिखना था। ओके, अब यहाँ पर हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई, और फिर डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो 21 ही आना है, और न्यूमरेटर्स में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आ रहा है 814968। क्या आ रहा है, 814968। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करवा देते हैं, इसको डिवाइड करवा देते हैं 21 से, तो क्या आ जाएगा, यूनिट तो आएगा ही ना, तो देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास डिवाइड करवाने से आ रहा है 38808। ओके, 38808 क्या है, 38808 ये वॉल्यूम हमारे पास फाइंड हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम फाइंड हो गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जब भी फाइंड करने को कहा जाए आपने बस यही फॉर्मूला लगाना, और जब आपके पास रेडियस गिवन है वो आपने वैल्यू पुट कर लेनी, इजी हो गया। अब आप आ जाएँ सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उस पर आ जाएँ, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सरफेस एरिया सबसे पहले तो, कि क्या है सेम, अगर आपने डायरेक्ट लिखना है कि सरफेस एरिया ए इक्वल टू 4πr² होता है, वो फॉर्मूला आप लिखें और जस्ट वैल्यूज पुट करें और हो जाएगा। और अगर इस तरह लिखना है जैसे हमने सारा लिखा है तो भी हम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय और रेडियस, और जो है पाई की वैल्यू हो तो एज इट आ जाएगी जैसे पहले थी, और फिर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा कि सरफेस एरिया जो है हमारे पास ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो लिखना तो लिख लें, लेट ए द सरफेस एरिया लिख लें, क्या डायरेक्ट कर लेते हैं ए इक्वल्स टू 4πr², अगर आपने लिखना तो आप लिख लें।
ओके, 4 का 4 आ जाएगा, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। आर हमारे पास रेडियस 21 है तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया, सेंटीमीटर आ गया। और स्क्वायर है तो फॉर्मूले में तो हमने यहाँ पर भी लिख लेना है, मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर स्क्वायर हो तो हमने 2 times लिखना है, ठीक है वही बात। और यहाँ पर जब क्यूब है तो इसलिए हमने इसको 3 times लिखा, अब हम यहाँ पर 2 times लिखेंगे। तो यहाँ पर आ गया 4 × 22/7 मल्टीप्लाई 21 cm × 21 cm, 2 times आ गया। और अब क्या करेंगे, अब हम 7 का 7 एज इट लिख लेंगे और हमारे पास इन सब ने मल्टीप्लाई हो जाना और यूनिट भी आ जाना, cm × cm, स्क्वायर आ जाना, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 4 × 22 × 21 × 21, ठीक है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करवाया जो न्यूमरेटर्स में वैल्यूज थी, तो हमारे पास आ गया 38808। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 38 और क्या है हमारे पास 808। और अब क्या करेंगे, इनको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। तो इनको डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है 5,544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास सरफेस एरिया फाइंड हो गया। अब आपके पास जब भी आए सरफेस एरिया फाइंड करने को रेडियस गिवन हो तो आपने जस्ट यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपके पास जो रेडियस गिवन होगा आपने वो पुट करना और देन आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपको आ गया समझ में कि वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं जब रेडियस हमारे पास गिवन होता है। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको कर सकेंगे। तो मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं इसी टॉपिक पर भी, इसके अलावा जब हमने सरफेस एरिया फाइंड करना होता है और क्या है हमारे पास सरफेस एरिया तो हो गया, रेडियस फाइंड करना होता है। ओके, जब ठीक है रेडियस फाइंड करना हो और हमारे पास सरफेस एरिया गिवन हो, ठीक है तो क्या करना, तो सब पर वीडियोज़ बनाई हुई आप चेक कर सकते हैं, चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।